कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। अब भारत भी कोरोना वैक्सीन के करीब पहुंच गया है। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक भारत में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। अब बस इमरजेंसी अप्रूवल मिलने का इंतजार है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इमरजेंसी अप्रूवल के लिए प्रयासों में जुट गया है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन महामारी को रोकने में 70% तक प्रभावी है। इंडियन ड्रग रेगुलेटर DCGI की ओर से कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी वैक्सीन 50% से ज्यादा कारगर होगी उसे मंजूरी दी जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दावा है कि कंपनी ने अब तक लगभग 4 करोड़ डोज तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये वर्चुअल मीटिंग सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। बैठक का मकसद इन राज्यों में दोबारा तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों पर रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना है। केंद्र सरकार शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी और इसके बाद लागू हुई पाबंदियों को लेकर फिक्रमंद है। कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर बैठक के बाद पीएम आज ही कोरोना वैक्सीन के मामले पर भी एक बैठक करेंगे। इस बैठक में पीएम के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का मकसद वैक्सीन आने के बाद इसके वितरण और टीकाकरण की योजना तैयार करना है। केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि राज्यों को अलग से वैक्सीन का इंतजाम करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी। सरकार की योजना के मुताबिक सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अगले 3 से 4 महीने में वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद जताई है। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के हालात और उससे निपटने के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है और कोविड मैनेजमेंट का सिस्टम दिल्ली में फेल क्यों हो गया। अभी के हालात को देखते हुए कोर्ट ने आशंका जताई है कि दिसंबर में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 3 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में RT-PCR मोबाइल लैब की शुरुआत की है। इसके लिए दिल्ली में रोजाना 30,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर आ जाएगी। मोबाइल लैब के जरिए टेस्ट की कीमत सिर्फ ₹500 होगी। सरकार की योजना है कि 1 हफ्ते के भीतर पूरी दिल्ली में इस तरह की 10 मोबाइल टेस्टिंग लैब काम करना शुरू कर देंगी। दिल्ली में लगातार 4th दिन कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में राजधानी में 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों की तादाद 7,000 से ज्यादा है। राजस्थान में भी आज सबसे ज्यादा 19 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में राज्य में 3,200 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 599 मरीज जयपुर के हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते फिर से सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से फ्लाइट के जरिए महाराष्ट्र आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट करवाना होगा। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। टेस्ट से उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जिन्होंने महाराष्ट्र पहुंचने के 72 घंटे के पहले कोरोना टेस्ट करवाया हो और रिपोर्ट नेगेटिव हो। इसी तरह ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र पहुंचने वालों को 96 घंटे या उससे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। चुनावों में लगातार हार के बाद कांग्रेस में अंदरखाने तकरार और तेज हो गई है। गुलाम नबी आजाद के बयान पर एतराज जताते हुए अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें सार्वजनिक बयानबाजी की बजाय पार्टी फोरम में बात रखने की नसीहत दी है। वहीं तारिक अनवर ने आजाद को कोई बयान देने से पहले अपने गिरेबा में झांकने को कहा है। आजाद ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा था और पार्टी में 5-स्टार कल्चर हावी होने का आरोप लगाया था। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी और AIA-MIM की लड़ाई तीखी होती जा रही है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना का अवतार बताया। कहा कि ओवैसी के पार्टी को वोट देना भारत के खिलाफ वोट देने के जैसा है। वहीं ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हिंदू बनाम मुसलमान करने पर तुली है। वहीं हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की फजीहत हो गई। कुछ लोगों ने बाढ़ राहत का मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए ओवैसी का विरोध किया। लव जिहाद के खिलाफ कानून के मुद्दे पर बीजेपी और विरोधी दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी का कहना है कि देश में सोची समझी रणनीति के तहत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाई जा रही है और इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बड़ी अव्यवस्था पैदा हो जाएगी।
वहीं कथित लफ जिहाद के मुद्दे पर शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने हंगामा किया। सिख समुदाय के एक लड़की के गायब हो जाने को लेकर मुस्लिम युवक पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की के बरामद नहीं होने पर तनाव का माहौल है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में अगले दो तीन महीने में बीजेपी की सरकार बनेगी। दानवे के मुताबिक बीजेपी ने अपने गणित पर काम कर लिया है और अब विधान परिषद का चुनाव हो जाने का इंतजार है। इससे पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कई बार महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार जल्द गिरने का दावा कर चुके हैं। पंजाब में खेती कानूनों का विरोध और तेज हो गया है। किसानों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी की है। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पंजाब में किसानों की जोरदार तैयारी है और कई महीनों के लिए राशन नकदी जमा की जा रही है। किसानों की योजना दिल्ली में लंबा धरना देने की है। वहीं करीब दो महीने बाद पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। फिरोजपुर डिवीजन में दो मालगाड़ियां चल पड़ी। किसान आंदोलन के चलते राज्य में ट्रेन बंद की गई थी। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का सोमवार को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। गोगोई कुछ वक्त पहले कोरोना को मात दे चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई। तरुण गोगोई के निधन पर कांग्रेस पार्टी समेत सभी दिग्गज नेताओं ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने गोगोई को एक कुशल राजनीतिक और प्रशासक कहा है। वहीं राहुल गांधी ने उन्हें अपना शिक्षक बताकर श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड के चमोली में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम में एक फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। जबरदस्त बर्फबारी होने की वजह से यहां तापमान शून्य से नीचे चला गया। पूरे इलाके में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। देखिए ये तस्वीरें गंगोत्री की हैं। यहां चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से यहां पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। पूरे इलाके में शीतलहर का प्रकोप है। उत्तराखंड के औली में भी जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। औली में अब तक 2 से 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है। हर तरफ यहां बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। वहीं बर्फबारी के साथ ही कड़कड़ाती सर्दी का सितम भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी जबरदस्त बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। धौलाधार में जोरदार बर्फबारी से पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछी हुई है। धर्मशाला के ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी जोरदार बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। देखिए ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। यहां जबरदस्त बर्फबारी के बाद जहां तक नजर जाए बर्फ की चादर ही दिखाई देती है। जोरदार बर्फबारी से यहां तापमान गिर गया है, जिसकी वजह से शीतलहर चल रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 5 दिन हिमाचल प्रदेश में जोरदार बर्फबारी और बारिश की आशंका है। श्रीनगर के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी से घाटी को कड़ाके की ठंड ने जकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और जम्मू के पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला पर हो रही बर्फबारी के बाद पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जोजिला मार्ग को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दिल दहलाने वाले हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। खेत में काम करने वाले मजदूरों ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थाम ली, जिसके बाद ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और आंगन की 4 दीवारी से जा टकराया। वहीं पास में 3 मासूम खेल रहे थे। तीनों बच्चे दीवार की चपेट में आ गए और दम तोड़ दिया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लूटपाट करने वाले एक शातिर गैंग का खुलासा हुआ है। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 4 महिलाएं हैं। गिरोह के सदस्यों पर लूट की कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के तालाब में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है।
आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया हो। कानपुर के कुली बाजार में दो मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मच गया। कई लोगों के दबे होने की खबर के बाद प्रशासन ने आनन फानन में राहत और बचाव का काम चलाया। चश्मदीदों के मुताबिक बगल के प्लॉट में बेतरतीब खुदाई के चलते हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के विधायक थाना प्रभारी से उलझते दिख रहे हैं। विवाद इतना बढ़ा कि विधायक ने थाना प्रभारी को यहां तक कह दिया कि बीजेपी की दलाली मत करो। दोनों के बीच तीखी बहस चलती रही। दरअसल कांग्रेस के एक नेता के ऊपर FIR हुई, इसी को लेकर विधायक थाने पहुंच गए। राजस्थान के बाड़मेर में एक गाड़ी ने ऊंट को टक्कर मार दी। जख्मी जानवर की सुध किसी ने नहीं ली। ऊंट दर्द से तड़पता रहा और प्रशासन अनदेखी करता रहा। फिर ऊंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तब जाकर ऊंट को मदद मिली। आजमगढ़ में महिलाओं की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप ग्राम प्रधान पर है। दरअसल ग्राम सभा भवन और आसपास की जगहों पर निर्माण कराए जाने के दौरान प्रधान का महिलाओं से विवाद हो गया, जिसके बाद प्रधान ने महिलाओं पर थप्पड़ चलाने शुरू कर दिए। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना विदेश मंत्री चुन लिया है। जो बाइडेन ने एंटनी ब्लिंकिन को अमेरिका का नया विदेश मंत्री चुना है। साथ ही बाइडेन ने जेक सुलियन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। संभव है कि मंगलवार को जो बाइडेन के मंत्रिमंडल की घोषणा की जाएगी। एंटनी ब्लिंकिन को अमेरिका का विदेश मंत्री चुना गया तो चीन खुशफहमी में आ गया। चीन ने ब्लिंकिन के विदेश मंत्री चुने जाने पर खुशी जताई है। साथ ही चीन की ओर से कहा गया है कि भविष्य में अमेरिका और चीन के संबंध पहले से बेहतर और स्थिर होंगे। एक तरफ तो ब्लिंकिन के विदेश मंत्री बनाए जाने को लेकर चीन खुश हुआ, मगर दूसरी ओर अमेरिका से उसकी नाराजगी भी जाहिर हो गई। चीन ने अमेरिका में नवासी चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने पर एतराज जताया है। आपको बता दें कि चीन की सेना के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर एरोस्पेस और अन्य क्षेत्रों की नवासी कंपनियों को अमेरिका ने बैन किया है। इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका फिलीपींस की मदद करेगा। खबर है कि अमेरिका फिलीपींस को $18.4 मिलियन के हथियार मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि दक्षिणी फिलीपींस में इस्लामी आतंकवाद लगातार सर उठा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। यहां सैन जोस की एक चर्च में चाकूबाजी हुई है। इस चाकूबाजी में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि चाकूबाजी में कई लोग के घायल होने की खबर है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जोशुआ वोंग को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जोशुआ वोंग ने असेंबली में जमकर हंगामा किया था। उन्होंने हांगकांग में लोकतंत्र के लिए चीन का विरोध किया था। इसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। जर्मन कंपनी IDT बायोलॉजिका ने अपनी कोरोना वैक्सीन का दूसरा ट्रायल शुरू कर दिया है। तीनों चरण के ट्रायल सफल होने के बाद 2021 के अंत में वैक्सीन के प्रोडक्शन को यहां मंजूरी मिल सकती है। चीन ने तियानजिन, शंघाई और मंजौली में लाखों की संख्या में कोरोना टेस्टिंग शुरू की है। यहां कई मामले सामने आने के बाद चीन ने यह कदम उठाया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुनिया में कोरोना केस 5,91,00,000 के पार चले गए हैं। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13,95,000 से ज्यादा हो गई है। आपको बता दें कि अब तक 5,00,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इंडोनेशिया में कोरोना के मामले 5,00,000 के पार हो गए हैं। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
बढ़ते मामलों के चलते कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है।